तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बांसो गेट से। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर ईंटें ऐसे बरसती हैं जैसे ओले जो हैं गिरते हैं, वैसे ईंटें इस मोहल्ले के अंदर गिरी हैं। जी हाँ, साफ तौर पर पड़ोसियों को कहना है कि कुछ एक नशेड़ी हमारी गली में आए और उन्होंने अंधाधुंध ईंटें बरसानी शुरू कर दी। देख सकते हैं एक लड़के के ऊपर हमला भी किया गया, उसके सिर पर जो है वो चोट लगी है। फिलहाल अभी वो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, फिलहाल मेडिकल करवाने के गया था। पड़ोसियों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरी बातचीत थी। सर वो सुबह सब फ्रूट का काम करता है, 8,000 रुपए हमारे इस पड़ोसी से उधार लेके फ्रूट लेने गया था मंडी में। अभी वो ये बात वो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, उनकी मदर को मदर पे भी हमला किया उन्होंने। उनकी मदर हाथ जोड़ रही थी, हम भी हाथ जोड़ रहे थे भाई तुम हमला क्यों कर रहे हो। मतलब कि जो भी उनके आगे आया ना सबको ईंटें बरसाई उन्होंने, सब अपनी जान बचा के अपने घरों में बढ़ गए। तो और लोगों को भी लगी है चोटें? हाँ जी, उनकी उनकी मिसेज को कान फाड़ रखा है उनकी मिसेज का, और उनकी मम्मी को ऐसे मार रखा। अच्छा, इतने नशे में अंधे थे? हाँ जी, वो कुछ भी कर सकते थे। एक मार है यहाँ पे पड़ोसी है, उस करियाने की दुकान है उसको भी मार के गए। कैमरे लगे हुए थे यहाँ पे, कैमरे में आया तो उसको डंडे मारे। सुना के भाई मित्तू ने कैमरा क्यों दिखाया पुलिस? अच्छा, कैमरे अभी भी है? उसके पास रिकॉर्डिंग है, वो भी थाने में मेडिकल कराने गया, उसको भी डंडे मारे। महिलाओं को भी मारा यहाँ पे? हाँ जी, उसकी वाइफ का कान पड़ रखा जी, खून अभी तक रुका नहीं है उसकी वाइफ का, और उसकी मम्मी को भी थप्पड़ी थप्पड़ मारे यहाँ गली के बीच में, ऐसे मुक्के थप्पड़ ऐसे मारे। कारण क्या? सिर्फ नशा किया हुआ? सिर्फ नशा कराया था जी, पूरी रात फिरे वो लड़ाई के चक्कर में, हमारे साथ कोई भी लड़ाई करा इसको 2-3 गलियों में और उन्होंने ऐसे मार दिए। कोई लड़के हैं? कितने लड़के हैं जी? तीन लड़के हैं। जानता है उनको? पहचानता है? मोहल्ले वाले नाम से तो हम जानते नहीं, शक्ल से पहचानते हैं जमादारों के, इधर बांसो गेट से। बांसो गेट? हाँ जी। तो यहीं पर बैठे रहते हैं? बस उधर ये जो नाला है ना हमारा, उधर बैठे रहते हैं, गड़ियां खड़ियों में उनके बीच में बैठ बैठ कर शराबे पीते हैं जी। डेली का काम है, डेली पीते हैं ना हमारी लड़कियां के, हम क्या कोई सुरक्षित नहीं निकल सकता। देख के सबको गालियां देते हैं जी, गंदी गंदी गालियां देते हैं, बहुत गंदी। पुलिस आई थी जी, 112 की टीम बुलाई थी, आई थी मौके तो ले गए थे। वहाँ मिला था उनको? नहीं, वो फरार हो गए जी। एक का भाई मिला उसको ले गए, वो भाई इसके थ्रू आ जाएंगे। ईंटें भी मारी है? ईंटें दिखाई है जी, ये देखो हमने बटली कर दी है, ये देखो आपके सामने पड़ी नहीं है, देख सकते हैं ईंटें ही ईंटें गली में। आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी गली के अंदर ईंटें ही ईंटें बिखरी हुई नजर आएंगी। देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर ऐसे ईंटें बरसाई गई जैसे ओले गिर रहे हो। जी हाँ, जैसे ओले गिर रहे हो ऐसे ईंटें बरसाई गई, और घर वालों को आस पड़ोस को भी यहाँ इतना सहम गए थे कि हमारी जान पर भी खतरा बना हुआ है। देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर तमाम तस्वीर, मिलेगा वही इसको खत्म करेंगे, धमकी मारने की सर या हम धमकी देंगे, कहीं भी जाए काम करने, जहाँ अकेला दिखेगा इसको हम खत्म करेंगे, जान से मारेंगे। तो क्या बातचीत? सब्जी का काम करता है? सब्जी का काम करता है जी लड़का, वो कह रहे हैं अगर काम करने भी जाएगा सब्जी रेडी कहीं पे भी लगाएगा तो उसको काट के गिर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, कारण सिर्फ ये कि नशा करके मारे? हाँ जी, नशा करके मारे, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा भाई पुलिस केस क्यों किया तुमने, अगर हमने मारा तुमने पुलिस केस क्यों किया? और लोगों को भी मारा है, परेशान किया? हाँ जी, इधर बाहर किराने की दुकान है उधर उस लड़के को भी मारा, उसने कैमरा चेक करवाया तो, और एक लड़की के ऊपर भी उन्होंने हाथ रहने वाले को इसलिए मारा कि तूने कैमरा चेक कराया, क्यों चेक करवाया। आप देख पा रहे हैं जिसने कैमरा चेक कराया उसके ऊपर भी हमला बोल दिया जाता है, उसकी जो माता है उन्हें भी मारा गया है। देख सकते हैं इन्हें भी अभी डर है, सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं इंतजाम पुलिस को करना चाहिए ताकि और आगे बात ना बढ़े। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। ईंटें आप देख सकते हैं, 6 बदमाश यहाँ पर आते हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, और एक इसी गली के अंदर सब्जी बेचने सुबह लड़का 5:30 बजे जा रहा था उसके ऊपर हमला बोला, और उसके बाद जब पुलिस को वह कंप्लेंट देने जाता है जो जिसके ऊपर हमला हुआ था, फिर से उसी के घर के पास जो है वो लड़के ईंटें लेकर पहुंच जाते हैं। आसपास में आप ईंटें देख सकते हैं, ये ईंटें उन्हीं के द्वारा बरसाई गई हैं, और तमाम मोहल्ले के लोगों के ऊपर भी जो है मारपीट करी गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जितनी भी ईंटें आपको गिरी हुई दिख रही होंगी, ये उन्हीं जो है लड़कों द्वारा, बताया ये भी जा रहा है कि नशे में थे, वो पूरे नशे में थे, पूरी देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। उनके भाई यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ ये हुआ है। सर क्या कुछ पूरी बात है, कब ये हुआ था?
सर ये सुबह की बात है 5 बजे की, तो भाई मेरा रेडी लेके जा रहा था, तो ये मंडी के लिए निकला सब्जी के लिए, और पैसे भी लेके अपना 8,000 रुपये थे इसके उसमें, और ये बैठे हुए थे यहाँ पे दारू वगैरह जो पी रहे होगा नशा कर रहे थे जी, इन्होंने गाड़ी ग्लोच किया इसके साथ, बुलाया इसको, फिर इतना मारा पिटा है उन्होंने, सिर सार में ईट मारी है, चोट ज़्यादा आई है, फिर वो हमने जाके वहाँ कंप्लेंट करवाई थाने में जी, तो थाने वाले ने भी अपना 5:30-6 बजे की बात आई, उस टाइम कंप्लेंट लुहा गया है, तो पुलिस प्रशासन भी 11 बजे आई, उसके बाद भी 10 बजे के बीच में मारदार यहाँ पे आके उन्होंने फिर मारदार की है यहाँ पे, दोबारा पहुँच गए थे यहाँ पे। हाँ जी 10 बजे। क्या क्या कह रहे थे आके? यही कह रहे थे कि हम वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ कंप्लेंट क्यों की है, इसकी वजह से धमकी दे के गए हैं, भी आगे भी हम ऐसे करेंगे, भी काम करेगा वहाँ पे हम इसको मारेंगे। अच्छा फिर मारेंगे, ये धमकी दी है जी, आप देख सकते हैं धमकी फिर से दी है, ये ईंटें आप देख सकते हैं वो पूरे मोहल्ले के अंदर बिखरी हुई नजर जरूर आएंगी, मोहल्ले के बाहर एक किराने वाले के सीसीटीवी में जो ये वारदात कैद हुई थी उसे भी निशाना बनाया गया, उसको भी जो है वो मारा गया है, उसे भी चोटें जरूर आई, किराने वाले को भी मारा है, किराने वाले को मारा है सर, उसको भी कैमरा दिखाया उसने, तो उसको बोला है क्यों दिखाया, तो उसके हाथ में मारपीट की है, तो उसको भी चोट लगी अच्छे सिर में, ईंट आट पता नहीं क्या मारा उसको, मारा अच्छा मारा, और एक गड्डी वाला है उसको भी बोनट पे मारा रुको आगे, और एक लड़की के साथ हाथ तपे की है, वो लड़की भी ऐसी थी बेचारी, वो भी रोई है, गड़ा दबा रखा है यहाँ पे, रोंचे वगैरह कपड़े पाड़ने की यानी कि बलात्कारी कैसा ऐसी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत परेशान है सर, अभी आगे धमकी दे के गए हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, शाम को कुछ भी हो सकता है जी, आप देख सकते हैं पुलिस को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहल्ले वाले कहीं ना कहीं सहमे जरूर हुए हैं, मोहल्ले वाले कहीं ना कहीं सहम चुके हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिर से जो है यहाँ पर दोबारा से ऐसा हमला हो सकता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जितने भी लोग थे उन्होंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद फिर से वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि आपने कंप्लेंट की है इसलिए हम दोबारा से आए हैं, और दोबारा कहीं मिलेगा फिर से तेरे को छोड़ा नहीं जाएगा। माता जी क्या हुआ था, किस समय लड़ाई हुई थी? ये 5:30 बजे करीब बटे पता लगा भी मारा गया लड़के को, मारा खूब, उसके बाद जैसे हम उठे देखे शोर पड़ रहा था, 9:30 बजे करीब आए लड़के, ईंटें बरसानी शुरू करी वहाँ गली में, गली से करते करते सीधे बाग बाग के अंदर तक ईंटें बरसाई हैं, फिर वो इतना पुलिस जब पता लगे पुलिस आ गई, 11:45 बजे पुलिस आई है, बस उसके बाद फिर वो चले गए लड़के, पुलिस साहब फिर भाग गए हैं। पुलिस को बताया कितने बजे था? ये 6:30 बजे करीब करते, 5:30 की बात बात और आई कितने बजे थी पुलिस? वो नहीं कर रहा मुझे कह रहे हैं। तो आपने पुलिस को बोला कि काफी ज्यादा? सबने बोला, बट मैं जान से मैं तो गोड्डे बांध के घर पड़ी थी, घर से यहाँ तक बैठ गई, काफी लोगों को चोट आई है जी? चोटे किसी को नहीं, बस उस लड़के को मारा, बस हमें खतरा अपने परिवार का, सब बताया भी खत्म मारा, काफी शोर हो गया था सुबह। हाँ जी, यहाँ तो सारी गली पूरी भर गई थी, हमारे बच्चे डर के मारे सारे कमरों के अंदर बढ़ गए थे, तो अभी भी मोहल्ले वालों को डर है? हाँ जी, खतरा हमारे अपने बच्चों, खतरा भी, काम पे जाते हैं बच्चे, किस टाइम गैर टाइम आते हैं, कभी कैसे आते हैं, कंप्लेन कर दी गई? हाँ, कंप्लीट करी है उनको भी, कर दी है। हाँ जी, उसके बाद पुलिस वाले आके सबसे बयान लेकर गए, बस यही पूछ रहे, फिर ले गए थाने, ले गए सब गए थे, उन्होंने आपको मोहल्ले वालों का कहना है कि हमें डर है कहीं ना कहीं फिर से ऐसे घटना जो है वो ना घटे, पुलिस को ध्यान देना चाहिए। देख पा रहे हैं महिला को भी चोट आई, एक महिला का कान जो है वो भी खींच दिया गया और उसका खून जो है वो नहीं रुक पा रहा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, कुछ और लोग हैं इसी मोहल्ले से, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन लोग हैं, क्या करते हैं? वो बदमाश टाइप के आदमी हैं जो कि हम ये करते रहते हैं, रोज़ शराब पी के और छेड़खानी करते रहते हैं, और सुबह लड़का गया था उसका सिर पाट दिया और क्या नाम पैसे वैसे खोस लिए उससे और क्या नाम है इसका, और उसके बाद ये 9 बजे करीब फिर धमकी दे के गए, डंडे और आपके सामने ईंटे वगैरह पड़ी है, आपने देखी है मौके पे, पर आप पुलिस में गए हुए हैं तो देखो क्या करती है पुलिस। पकड़ा गया उनमें से? अभी तक तो कोई भी नहीं पकड़ा गया, फरार है सभी। पहचान है उन लड़कों की? हाँ हाँ, फेस से जानते हैं अभी कौन हो सकता है ये, कौन नहीं, यहीं पर बैठे रहते हैं सभी, आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं। बताया जा रहा है गाड़ियों के शीशे भी तोड़े? हाँ बिल्कुल तोड़ा है, राह चलती गाड़ियों को उन्होंने पकड़ के क्या नाम शीशे तोड़े हैं, बल्कि की वो सिटी में ही है। इतनी भी उन्हें होश नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं? वो सभी होश होती है जी, क्या नहीं है होश, शराबी आदमी को सारा कुछ पता होता है, ये तो है नहीं भी, वो अंधे होते हैं, आंखे तो होती है उनकी भी, ये तो है नहीं भी नशे में, ये है कि भाई नशे में थोड़ा पावरफुल हो जाता है आदमी, भाई मैं ये कर दूंगा, उन्हें पता नहीं रहता क्या कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
आप देख सकते हैं किस तरह से मोहल्ले वालों का कहना है कि नशा जरूर करते हैं, नशे के बाद और एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे वो मोहल्ले के अंदर आते हैं और इट्टे बरसानी शुरू कर देते हैं मोहल्ले वालों का, मोहल्ले वालों में डर का माहौल जरूर बना हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को यहाँ पर ध्यान जरूर देना चाहिए, कभी फिर से वो इस तरह से जो है वो इस घटना को अंजाम ना दे दे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। सोनू से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जिसको सुबह 5:30 बजे कुछ नशेड़ियों द्वारा हमला बोला गया और महिला आप देख रहे हैं इस महिला को भी कान को जो है वो पूरी अच्छी तरह खींच दिया गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर आप पहुंचे हुए थाने में कंप्लेंट देने के लिए। सोनू से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुबह मैं मंडी के लिए जा रहा था मैम, तो उन्होंने 5 जने थे दारू पी रखी थी जी, तो मेरे ऊपर छुटते ही गालियाँ दिया मेरे को, मैंने 2-3 बार इग्नोर कर दिया तो फिर गाली दिया, तो मैं पास में गया वैसे ही छुटते ही हमला करा और मेरे पैसे कोस लिए गए 8,000 रुपये। 8,000 रुपये थे जी, मेरी पूंजी के जो मैं फल फ्रूट का काम करता हूँ ना वो थे मेरी जेब में, वो कोस लिए गए। आप तो रोजाना जाते होंगे आज क्यों? हाँ जी, गाली गलौज तो आज हुआ आपके साथ या पहले भी? आज ही हुआ। हाँ जी, पहली बार बस। पहले कभी ऐसा किया उन लड़कों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी देखा उन लड़कों को आपने? नहीं, वो रहते यही हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हमारे से परली तरफ रहते हैं। तो लड़कियों को भी परेशान करते हैं, कमेंट करते हैं ऐसा? हाँ जी, देख सकते हैं एक महिला को भी मारा गया है, उनसे भी जान लेते हैं। जब मैं इनको छुटाने गई ना, मेरे को भी अत्तापाई बदतमीजी करी है, मेरे को भी कान बाड़ी निकल लिए कानों। कितने लोग थे? वे 4-5 थे। रहने वाले? हाँ जी, वही थे 4-5। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ। इनकी वाइफ है। हुआ क्या था जब आप बीच में चाप करी थी तब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बदतमीजी करी उन्होंने मेरे को, जिस तरह बाड़ी वगैरह निकल लिया कानों की। ये जब यहाँ निकली ना, जब इसमें डल्ला आता जब फिर कानों से नुकरा, तो छेड़खानी भी की? हाँ जी, छेड़खानी की। क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं अभी आप? हम तो ये चाहते हैं बस उनको पकड़ो, कार्रवाई करो। लड़कियों के साथ कमेंटबाजी भी करते हैं वो अक्सर? हाँ जी, लड़की आई थी अब उनकी गलती करा है, अब आएंगे दूसरे। आप सोनू की बातें नहीं हैं? आपको भी मारा है? आपको भी मारा है? ऐसे मारे मुक्के मारे आपको? चोटें जो लगी हैं आप दोनों हॉस्पिटल? क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या करो, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको वहाँ रोज को रोज का पंगा उनका, रोज का। पुलिस ने पकड़ा? नशा करते हैं? नशा करते हैं जी, बिल्कुल नशा करता, बदतमीजी करते हैं सबके साथ, गाल कलोचे सब। करियाने वाले भी हैं जिनकी दुकान मारे है, इसको तो मेरी सास है, ये इनको थपेड़े थपेड़े से मारे इनको, भाई ये रोक रही थी ना, कोई बीच बचाव में नहीं आया, बीच में कोई नहीं आया, खड़े खड़े देखो गए कोई नहीं आया बीच में। नहीं, कुछ नहीं चल रहा था हमारी गलो, आज ही क्या आया उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं करा। करियाने वाले हैं जिन्होंने कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दी थी, आपको क्या बोला उन्होंने? मेरे को भी यही बात बताइए कि अगर तू पुलिस में दरखास्त वगैरह देगा तो कहता है हम तुमको देख लेंगे। अच्छा, और मैं तो बस अपना दूध वगैरह लेके दुकान की तरफ जा रहा था, बेमतलब है मेरे को भी मार पिटाई कर दी मेरे साथ। आप नहीं थे, सुबह की बात है? हाँ, सुबह की बात है, मैं दूध लेके ही अपना डेयरी से दूध लेके घर की तरफ जा रहा था। हाँ, पहले भी बदमाशियाँ वगैरह करते रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत चुप करा लेते हैं, उनको बुला के 112 की डायल वगैरह। मामला वगैरह दर्ज हो चुका है, बस ये है कि अब उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको भी मारा है? आपको भी मारा है? हाँ जी, यहाँ इस जगह में मारा, लाठी वगैरह मारी है, ये तो जैकेट वगैरह पा रखी थी, बच गया, लेकिन यहाँ पे जल लड़के थे? 3 लड़के थे वो। नशे में डूबते? हाँ जी, कोई होश नहीं थी? नहीं, कोई होश नहीं। लेडीज से भी छेड़छाड़ करके गया है पिछले महल्ले में, वहाँ पे भी 3-4 लेडीज यहाँ पे कंप्लेंट लिखवा के गई है। आप देख सकते हैं, मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। इस महिला के भी देख सकते हैं जो चोट है वो लगी है, अपील आप सभी से करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। वहाँ देख सकते हैं किस तरह से रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके बेटे और बहू के साथ किस तरह से शराबियों ने हमला बोल दिया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना।